ये फीड पंप है, प्लंजर टाइप फीड पंप है ये, आपको प्लंजर टाइप फीड पंप। ये इंजन के अंदर अपने इसलिए लगाते हैं, जब आपका फ्यूल टैंक सिलेंडर के लेवल से क्या हो, नीचे लगाओ, फ्यूल टैंक आपके सिलेंडर के लेवल से नीचे लगाओ, तो अपने क्या लगाते हैं, फीड पंप लगाते हैं। फीड पंप को अपने प्रदाय पंप भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये पंप क्या करेगा, आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींच कर और आपके एफआई पंप तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा, एफआई पंप तक। जैसे ये 4 सिलेंडर इंजन का आपके एफआई पंप है, ये माउंटिंग कहां होगी इसकी, यहाँ पे होगी, आपके एफआई पंप की बॉडी पे होगी, एफआई पंप की किस पे होगी, बॉडी पे। ये आपके एफआई पंप की कैम शाफ्ट रह जाएगी, ये अपने एफआई पंप की क्या है, कैम शाफ्ट है। ये कैम शाफ्ट आपके कैम गिरारी से, जो टाइमिंग गिरारी होगी उससे घूमेगी, घूमने से इसमें जो फीड पंप होता है इसका, ये टेपिड रोलर, क्या नाम होता है, टेपिड रोलर, टेपिड रोलर होता है। टेपिड रोलर, इससे क्या होगा, जैसे इसकी कैम रोल ऊपर आएगी तो इसको क्या करिए, दबाएगी, ऐसे नीचे वाला पार्ट आएगा इसका कैमरा होगा तो ये वापस नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग उसको दबा रहा है, तो ये प्रक्रिया होगी इस पंप की। तो चालू होगा तब ये ऐसे चलेगा ऐसे। तो ये क्या करेगा, आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींच कर आपके एफआई पंप तक, यहां तक पहुंच जाएगा, इसके बीच में आपके फिल्टर आ जाएंगे। वैसे एक फिल्टर यहां भी लगा होता है इसमें, फ्यूल पंप की जो है, इसके यहां पे भी आपको क्या लगा होगा, फिल्टर, प्रीमिलरी फिल्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उसका एक हाउसिंग भी होगी और नीचे कनेक्टिंग नट भी, एक क्लैंप लगा हुआ। तो अब अपने इसको डिसमेंटल करते हैं फीड पंप। ये आपके स्क्रू नट है, ये कौन सा नट है, स्क्रू नट, स्क्रू नट है, स्क्रू नट को आपने पहले स्क्रू नट को खोलेंगे। ये स्क्रू नट को अपने खोलेंगे, इसमें आपकी वॉशर भी लगी हुई है तांबे की, स्क्रू नट हो गया, ये आपके क्या हो गया, बेंजो बोल्ट हो गया, क्या नाम है इसका, बेंजो बोल्ट, बेंजो बोल्ट। ये आपके सक्शन पाइप को जोड़ने के काम में लेंगे अपने इसको, ये बेंजो बोल्ट है जो इसके अंदर छेद हुए, जिससे आपके बंद होने के बाद में यहाँ से आपके फ्यूल जा सके, रास के, ये वॉशर है इसकी। स्क्रू नट के बाद में आपका ये है आपके प्लंजर स्प्रिंग, या आप इसको पंप प्लंजर प्रेशर स्प्रिंग भी बोल सकते हो, पंप प्लंजर प्रेशर स्प्रिंग। और ये आपकी कॉपर की वॉशर होगी इसकी, स्क्रू नट की। और ये देखिए, ये आपके टेपिट है, रोलर टेपिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रोलर टेपिट। ये अब इसका लॉक किया हुआ है यहाँ पे, स्नैप रिंग बोलते हैं इसको, जो लॉक किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, स्नैप रिंग, स्नैप रिंग बोलेंगे। स्नैप रिंग को अपने इसके द्वारा, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा ऐसे डाल के इसमें, और इसको लॉक को बाहर निकाल देंगे। ये लॉक आपका खुल गया, ये इसको क्या बोलेंगे, स्नैप रिंग। ये फीड पंप की क्या है, स्नैप रिंग। अब अपने ये लॉक कहाँ करती है, जैसे आपकी ये खांचे में आएगी तो लॉक इसका यहाँ जाके अटक जाएगा ये, तो इसको ज्यादा ऊपर तक नहीं आने देगी इसके बॉडी के अंदर, नहीं तो ये बाहर नहीं निकल जाए। इसलिए ये इसकी फीड पंप के जो रोलर टेपिट है, ये स्लाइडर है इसके, ये क्या है, स्लाइडर, स्लाइडर है। और ये रोलर टेपिट का क्या है, रोलर है, ये रोलर टेपिट का क्या है, ये रोलर है, ये रोलर शाफ्ट होगी इसकी, और ये टेपिट हो गया। ये पूरे पार्ट को बोलेंगे रोलर टेपिट, क्या बोलेंगे, रोलर टेपिट। अब देखिए इसके अंदर जो फीड पंप के अंदर, ये जो रोलर टेपिट निकालने के बाद में यहां पे आपको स्पिंडल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, स्पिंडल, ये स्पिंडल दिखाई दे रहा है। स्पिंडल को अपने ऊपर से क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे, तो आपके ये क्या आ जाएगा, प्लंजर पंप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लंजर भी बोल सकते हो आप, प्लंजर पंप भी बोल सकते हो, ये आपके बाहर आ जाएगा। और ये स्पिंडल है, स्पिंडल को अपने पोकर की सहायता से ये बाहर निकाल लेंगे, ये स्पिंडल है इसका।
ये क्या है? स्पिंडल है। अब आपके इनलेट यहां से आ गया, यहां से आपके फिल्टर हो के ये इसका चेंबर हो गया। देखिए आप, इसमें चेंबर दिखाई दे रहा है, ये चेंबर है इसका, जो इसके स्पिंडल इसके अंदर, ये जो आपके प्लंजर पंप जो इसके अंदर रहेगा, जब ये आपके नीचे होगा तो ये बार से क्या करेगा, सक्शन करेगा। फिर वह क्या करेगा, सक्शन करेगा। सक्शन करेगा तो आपके क्या आ जाएगा, इस चेंबर में आ जाएगा आपके, फ्यूल क्या आ जाएगा, इस चेंबर में आ जाएगा। पहले तो ये फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से किस में आ जाएगा, चेंबर में आ जाएगा। चेंबर में आने के बाद में ये आपके फीड पंप का क्या है, एंड प्राइमिंग यूनिट है। कौन सी है, एंड प्राइमिंग यूनिट, इसमें अपने खोल लेते हैं। कौन सी यूनिट है ये, एंड प्राइमिंग यूनिट। ये आपके ये जो इंजन अगर आपका खड़ा है, उसे आपकी जो हाई प्रेशर स्टील पाइप है या सक्शन पाइप है, उसमें अगर आपकी क्या आ जाए, एयर ब्लीडिंग, क्या आ जाए, एयर ब्लीडिंग, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर जो पाइप है उसके अंदर आपकी एयर आ जाए, तो आपका फ्यूल क्या नहीं होगा, आपके आगे नहीं बढ़ेगा, लॉक हो जाएगा। फ्यूल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसको हल करने के लिए ये युक्ति लगाते हैं, इसे बोलते हैं हैंड प्राइमिंग, एंड प्राइमिंग यूनिट या एंड प्राइमिंग पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड प्राइमिंग पंप। जब ये आपका इंजन खड़ा होगा तो हवा कब निकलेगी, जब आप इसको क्या करोगे, ये जो इसकी नोब है, एंड प्राइमिंग पंप की ये नोब है, नोब में ये ग्रिप्स दी हुई है आपकी, ये देखो ग्रिप्स दी हुई है, ग्रिप को आपने खोल कर इसको क्या करेंगे, उसके अंदर पंपिंग करेंगे इस प्रकार। तो ये क्या करेगी, यहां से आपका फ्यूल का क्या करेगी, सक्शन करके और थोड़ा प्रेशर बना के आपके जहां से आपको एयर ब्रीडिंग करनी है वहां का नट खोल के और यहाँ ये पंपिंग करते जाएंगे। पंपिंग करने से क्या होगा, थोड़ा प्रेशर से ये फ्यूल को भेजेगा और वहां से बुलबुलों के रूप में आपका फ्यूल बाहर निकलता रहेगा। उस नट को तब तक टाइट नहीं करना है जब तक आपके बुलबुलों के रूप में फ्यूल आता है। कब तक टाइट नहीं करना है, जब तक आपके बुलबुलों के रूप में आपका फ्यूल आता रहे। जब बुलबुलों के रूप में फ्यूल आना बंद हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस जो ये एंड प्राइम पंप को वापस बंद कर देना है, इस नोब को वापस टाइट करके बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में आपका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपकी पाइपलाइन की जो एयर ब्लीडिंग थी, एयर लॉक थी, वो क्या हो गई आपकी, खुल गई। अब आपका फ्यूल सही रूप से जाने लगे। तो ये आपकी यूनिट है, इसको क्या बोलेंगे, हैंड प्राइमिंग यूनिट या हैंड प्राइमरी पंप। अब इसमें आपके वालो दी हुई है, ये आपकी इनलेट वालो होगी। कौन सी वालो होगी, इनलेट वालो है, इस टाइप की बनी हुई है, ये इनलेट वालो स्प्रिंग हो गया और ये आपकी आउटलेट वालो है। कौन सी है, आउटलेट वालो है, ये आउटलेट वालो स्प्रिंग हो गया। ये इसकी कॉपर की वाशरिंग दी हुई है, इससे आप यहाँ से अपने क्या करेंगे, सक्शन पाइप जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सक्शन बेंजो बोल्ट लगा के इसके ऊपर और सक्शन पाइप को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से आपके एफ आई पंप में जुड़ जाएगी आपका, यहाँ से किसमें जुड़ जाएगी, एफ आई पंप में, या आपके फिल्टर लगे हैं बीच में, आपके प्राइमरी फिल्टर है, सेकेंडरी फिल्टर है, उन फिल्टरों से होते हुए फिर वो पाइप कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। मेन उद्देश्य इसका ये होता है, ये जो फीड पंप अपने इंजन में इसलिए लगाते हैं, ये लगाने से क्या होगा, आपके फ्यूल टैंक अगर आपके इंजन से जो लेवल है उसके नीचे लगा हुआ है तो वहां से खींचने का काम करता है और एफ आई पंप तक पहुंचाने का काम, ये काम कौन करेगा, फ्यूल पंप। ये प्लंजर टाइप फ्यूल पंप, कौन सा है, प्लंजर टाइप, फ्यूल वाले डब्बे देना। इसको फिर अपने साफ कर लेंगे, क्लीनिंग करेंगे। फिटिंग का क्या तरीका है इसका, इसमें खराब होने वाली क्या चीजें हैं, एक तो आपकी ये अगर स्पिंडल घिस जाए, ये स्पिंडल है इसका, ये यहां से घिस जाएगा तो यहां से आपका फ्यूल का लीकेज होने लग जाएगा। यहां से ये जो बॉडी दी हुई है यहां से क्या होने लग जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा यहां से। और इसमें एक और इनिवेटर की है, यहां पर इसी बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या डलती है, स्पिंडल की इसके अंदर क्या डलती है, बोरिंग डलती है, जो ये काम करती है कि जो फ्यूल है आपका उसका लीकेज नहीं होने, तो फ्यूल चैम्बर में आ गया, ये फ्यूल चैम्बर है इसका,
फ्यूल चैम्बर में जो आपका फ्यूल आ गया उसका लीकेज नहीं होने दी स्पिंडल, इसलिए ये दी हुई है। अपने अब इसकी फिटिंग डिसमेंटली पूरा फिट में आपका क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया। अब अपने इसको फिट करेंगे तो पहले अपने क्या लगा देंगे, रोलर टेप फिट लगाएंगे पहले। क्या लगाएंगे? हाँ, तो इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले अपने ये स्पिंडल डालेंगे, स्पिंडल को स्पिंडल की जो स्थान दिया हुआ है वहाँ पे अपने इसको डाल देंगे। डालने के बाद में अपने क्या करेंगे, ये रोलर जो टेपिट है इसको पहले रोलर टेपिट में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में इसकी जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर इसकी बॉडी पे लगाएंगे। ये स्लाइडर लगाने के बाद में ये जो इसका स्थान दिया हुआ जहाँ स्लाइडर आपके फिट होने हैं वहाँ पे इसको डाल देंगे। अब इसको लॉक करना क्या है, जरूरी है। लॉक कैसे होगा, ये जो स्नैप रिंग है, स्नैप रिंग के लिए इसके लिए खांचा दिया हुआ है, एक छिद्र दिया हुआ है इसके अंदर बॉडी के अंदर। ये आपकी हाउसिंग है, इसकी फिट में भी क्या है, हाउसिंग है। इसमें जो छेद दिया वहाँ से डाल के इसको लॉक कर देंगे। अब ये आपका क्या हो गया, लॉक हो गया। अब देखो जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब ये लॉक करने स्नैप रिंग लगाने का तात्पर्य ये है कि ये अब आपके बाहर स्लाइड ना तो स्लाइडर बाहर निकलेंगे ना आपका रोलर बाहर निकलेंगे, इसलिए अपने ये क्या लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने के बाद में अब अपने क्या डालेंगे, प्रक्रिया मैंने बताई थी इसके अंदर ये चैम्बर बने हुए, ये आपका क्या हो गया, इनलेट चैम्बर। यहाँ से आपका फ्यूल इसके अंदर आया, इनलेट चैम्बर हो गया, तो ये आपका इनलेट चैम्बर हो गया। जैसे आपका ये इसको बोलते हैं प्लंजर, क्या बोलते हैं, प्लंजर। जैसे प्लंजर आपके नीचे गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से सक्शन करेगा, वैक्यूम पैदा करेगा, क्या करेगा, वैक्यूम पैदा करेगा। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, फ्यूल आ जाएगा। ये चैम्बर को चैम्बर ऑयल फ्यूल चैम्बर हो गया, क्या नाम है इसका, फ्यूल चैम्बर है। तो इस चैम्बर में आने सक्शन होने के बाद में ये वाल में आपकी इस टाइप की लगी होती है कि जब आपका ये सेक्शन होता है ये वाला क्या होगी, खुलेगी। और जब फ्यूल का कंप्रेशन होगा, जब ये पिस्टन आगे की तरफ आएगा, इसका जो प्लंजर आगे की तरफ आएगा, तो इसमें जो फ्यूल आया हुआ था आपके इस चैम्बर में, इसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा, तो ये वाला आपकी क्या होगी, ओपन होगी। ये वाला क्या हो जाएगी, उस प्रेशर से क्लोज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इस टाइप आपका ये दिया हुआ होता है। यहाँ पे अपने ये लगाएंगे एंड प्राइमरी पंप, ये प्लंजर लगा दिया। प्लंजर पे क्या आएगा, ये प्रेशर स्प्रिंग होते हैं, प्लंजर प्रेशर स्प्रिंग भी बोलते हैं, या प्लंजर पंप है प्रेशर स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद में ये क्या करेंगे, ये जो स्क्रू नट है इसको इसके ऊपर ये वाशर लगा के इसके ये वाशर डाल के स्क्रू नट पे, और इसको हथेली का थोड़ा दाब डाल के इसको टाइट कर देंगे, एक दो सुड़ी लगा देंगे इसको। लगाने के बाद में ये आपकी जो आउटलेट वाली पाइप थी ये लगा दें। ये आउटलेट वाले ये वाला लगा दिए अपने। लगाने के बाद में इस पे आप बेंजो बोल्ट से दोबारा क्या कर देंगे, अपने पाइप को देंगे। ये लगभग आपके 8-10 बार के आसपास प्रेशर देगा, इतने प्रेशर। आजकल क्या करते हैं कि आजकल अपने सीआरडी इंजन चलने लगे, कौन से इंजन चलने लगे, सीआरडी। उसमें बहुत प्रेशर से आपके फ्यूल का प्रेशर जाना होता है,
पहले तो इन पंपों का प्रेशर कम है, जो प्लंजर टाइप पंप आते थे, आज इनके आगे इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप आने लगे जो हाई प्रेशर बनाते हैं। कितना प्रेशर बनाते हैं, जो आपके 1000 बार से लेके 2000 बार तक का प्रेशर होता है। अंदर कितना बार तक प्रेशर होता है, 2000। तो वहाँ पे उन इंजनों में जो फीड पंप लगाए जाएंगे वो आपके 8-10 बार से आपके फ्यूल टैंक से खींचेंगे। और मैंने जो आपके प्रेशर वाला एफ आई पंप है जो CRDI इंजन में लगेगा वहाँ तक वो भेजना काम करेगा। ये आपके फीड पंप प्लंजर टाइप इंजनों का है। किस टाइप के इंजन होगा, प्लंजर टाइप। तो ये आपका फीड पंप है, ये आपके पेट्रोल इंजन का फीड पंप है। ये किसका है, पेट्रोल इंजन। वैसे फीड पंप आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं, एक तो होता है प्लंजर टाइप, ये प्लंजर टाइप उन्होंने बोला है, एक होता है डायफ्राम टाइप, ये डायफ्राम टाइप है। ये इसका प्रैक्टिकल अपने कल करेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्लंजर टाइप और डायफ्राम टाइप। प्लंजर फीड पंप का अर्थ सुन रहे आप, फीड पंप का काम क्या होता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल खींच कर एफआई तक पहुंचाना। तो ये जानकारी दी, अपने डिसमेंटल किया और इसको वापस असेंबल भी कर दिया। तो ये फीड पंप है। धन्यवाद।